में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, पहले हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है कोलाइड्स का, वो हमने पढ़ा है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये हो तो क्या क्लासिफाई होंगे, तो वो नो टाइप के थे. अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है क्लासिफिकेशन, कौन से टाइप से क्लासिफिकेशन होगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, अब जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो हमको किस पे डिपेंड करेगा, कि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से आपस में घुल रहे हैं, जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे, उसके नेचर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे. तो इसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये दो टाइप के होते हैं. ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं. पहला होता है लियोफिलिक सोल, दूसरा होता है लियोफोबिक सोल. ठीक है, पहला हुआ लियोफिलिक सोल, दूसरा हुआ लियोफोबिक सोल. ठीक है, लियो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग या लाइकली, बोल दूं मैं, जो लाइक करता है. फिलिक मतलब जो उसके लाइक हो या लविंग, जिसको हम बोलते हैं. इधर लियो का मतलब वापस क्या हुआ, लिक्विड, और फोबिक का मतलब हुआ है स्केरी, जिसको हम बोलते हैं ना कि जिसको डर लगता हो, फोबिया उसको हम बोलते हैं. ठीक है ना, मैं बोल सकती हूँ अनलाइक या डिसलाइक, अनलाइक नहीं डिसलाइक बोलेंगे इसको. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स हमने किया, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. देर आर टू मेनली आर लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, दो है, लियोफिलिक है और लियोफोबिक है. लियोफिलिक का मैंने अर्थ बता दिया आपको, क्या हुआ, जो लिक्विड को लाइक करता हो, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो लियोफिलिक सोल को हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड लाइक है ना, इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड लविंग, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, लियोफोबिक को लिक्विड हेट. ठीक है, डिसलाइक को हेट ही बोलते हैं. ठीक है, तो लियोफिलिक का मतलब हुआ लिक्विड लविंग और लियोफोबिक का मतलब लिक्विड हेट. मतलब कि लियोफिलिक ऐसे सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे कोलाइड्स होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे, जिसके अंदर जो है, जो डिस्पर्स्ड फेज होगा वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो इंट्रैक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, वो जो है एकदम लिक्विड के लविंग होंगे, लेकिन लियोफोबिक में ऐसा नहीं होगा. तो अब हम लियोफिलिक और लियोफोबिक को अलग अलग अच्छी तरीके से डिफरेंस के साथ में इसको पढ़ेंगे. चलिए हम पढ़ेंगे लियोफिलिक और लियोफोबिक के बीच में डिफरेंस भी, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि लियोफिलिक बेसिकली है क्या, क्योंकि ये तो हमें पता चल चुका है कि ये है लिक्विड लविंग और ये है लिक्विड हेटर. ठीक है, चलिए देखते हैं. पहला डिफरेंस ये है कि जो लियोफिलिक सोल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है उनके बीच में. स्ट्रॉन्ग एफिनिटी किस किस के बीच में होती है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में. ठीक है, लियोफिलिक सोल में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, लेकिन लियोफोबिक सोल में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं होती है. ठीक है ना, इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लूं मैं, या बोल दूं जो एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है मतलब कितने अच्छी तरीके से वो फ्रेंडली है. एफिनिटी का मतलब होता है कितने अच्छी तरीके से वो घुलने, मतलब कोई दो सब्सटेंस अगर आपस में घुल रहे हैं तो वो कितने अच्छी तरीके से घुल रहे हैं, उसे हम बोलेंगे एफिनिटी, एक वर्ड आता है. ठीक है ना, तो लियोफोलिक में, लियोफोबिक सोल में जो एफिनिटी है वो बहुत ही कम होती है, किसके बीच में, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दूसरा पॉइंट, जब भी
डिस्पर्स्ड लियोफिलिक सॉल में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को आप आपस में मिलाओगे ना, हल्का सा शेक करते ही ये क्या बना लेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा। मतलब इट इज इजी टू प्रिपेयर, इट इज इजी टू प्रिपेयर। आपको क्या करना होता है, बस हल्का सा डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम को शेक किया और ये क्या बन जाता है, आराम से प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन लियोफोबिक सॉल में ऐसा नहीं होता, ये इट इज प्रिपेयर बाय इनडायरेक्ट मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे कि लियोफोबिक सॉल प्रिपेयर किया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड। देखिए जो इनडायरेक्ट मेथड है उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, आगे जो पढ़ेंगे, बस आपको यहां पर इतना ही जानना है कि इट इज प्रिपेयर बाय इनडायरेक्ट मेथड्स, क्योंकि इनके बीच की जो एफिनिटी है वो कम है, ठीक है, तो इस वजह से इनको इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हमें बनाना पड़ता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, घर में सबके छाछ होगी, आप उस छाछ को किसी भगोने में रख के फ्रिज में रख दीजिए या कहीं पर भी रख दीजिए, आप बहुत टाइम बाद जाके देखेंगे ना, 3-4 घंटे बाद, तो आप देखोगे कि एक जो व्हाइट व्हाइट सा जैसे पाउडर टाइप होता है ना, वो तो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर आ जाएगा पानी, छाछ में व्हाइट वाला पार्ट तो नीचे आ जाएगा और ऊपर पानी पानी आपको दिखेगा। हर जगह सबके घरों में लगभग छाछ होती है, आप देख सकते हो। तो उस टाइम पे वो जो आपको एग्जाम्पल है वो किसका है, लियोफिलिक सॉल का, ठीक है, वो एग्जाम्पल है लियोफिलिक सॉल का, क्योंकि वो जो है उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, ठीक है। जैसे ही आप उन दोनों को दोबारा शेक करोगे वो क्या बना लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, वापस से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप उनको थोड़ी देर रहने दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वापस से अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लियोफिलिक सॉल है वो रिवर्सिबल है, क्या है थर्ड पॉइंट, क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब वो दोबारा जो है अलग अलग भी हो जाते हैं, मतलब डिस्पर्स्ड फेज अलग, डिस्पर्जन मीडियम अलग। लियोफिलिक सॉल में ऐसा हो सकता है, मैंने आपको छाछ का एग्जांपल दिया, लेकिन लियोफोबिक सॉल में ऐसा नहीं है, ये क्या होता है, इररिवर्सिबल है। ठीक है, ये क्या है, इररिवर्सिबल। ठीक है, आई बात समझ में, लियोफिलिक सॉल रिवर्सिबल, लियोफोबिक सॉल इररिवर्सिबल। ठीक है, आई होप ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, है ना। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या है, जो लियोफिलिक सॉल्स होते हैं, ये जो सॉल पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, जब भी इनके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे इस टाइप के लियोफिलिक जो सॉल्स होते हैं, इनके थ्रू जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, तो इनमें जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रखेंगे तो ये क्या होगा, जो सॉल पार्टिकल्स हैं वो माइग्रेट होंगे, माइग्रेट मतलब जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, एनोड या फिर कैथोड की तरफ, मतलब ये माइग्रेट होंगे। माइग्रेट का मतलब तो आई होप आपको पता होगा कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल माइग्रेट टुवर्ड एनोड और कैथोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनोड और कैथोड होता है, तो जैसे ये पार्टिकल ऑफ सॉल्स हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में आएंगे तो ये माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स एनोड और कैथोड। लेकिन जो लियोफोबिक सॉल्स होंगे, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रख दोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि ये शिफ्ट हो, ये माइग्रेट करें, ये माइग्रेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो इनका कंफर्म नहीं होता लियोफोबिक सॉल्स का, बट लियोफिलिक सॉल्स का ये कंफर्म है कि ये माइग्रेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं अगला इनका डिफरेंस बताऊं, तो लियोफिलिक सॉल्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्टेबल। लेकिन लियोफोबिक सॉल्स जो होते हैं ये होते हैं अनस्टेबल। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जो लियोफिलिक सॉल्स है इनकी एफिनिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, इनके बीच जो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस के बीच में एफिनिटी बहुत अच्छी है। अगर एफिनिटी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ऐसे में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बट लियोफोबिक सॉल्स में तो ऐसा है ही नहीं, इनके बीच में लो एफिनिटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, कम, तो इस कारण इनकी क्या है, ये अनस्टेबल है, नेचर वाइज क्या है, ये अनस्टेबल लियोफोबिक जो है। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके नेक्स्ट डिफरेंस में, जो हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताएगा। ठीक है, तो देखिए जो इनका लियोफिलिक सॉल का और लियोफोबिक सॉल का जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है सरफेस टेंशन का। जो सरफेस टेंशन होता है सॉल का, सबको सरफेस टेंशन 11th में पता चल चुका होगा, ठीक है, मैं दोबारा डिफाइन नहीं करूंगी क्योंकि सबको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, तो जो सरफेस टेंशन होता है सॉल का, यानी लियोफिलिक सॉल का जो सरफेस टेंशन है
वो लोअर होता है, वो कम होता है किससे, डिस्पर्जन मीडियम से, जबकि लियोफोबिक सोल में जो सरफेस टेंशन होता है सोल का वो इक्वल सेम होता है किसके, डिस्पर्जन मीडियम का, मतलब कोई भी अंतर नहीं होता, एकदम कोई फर्क ही नहीं पड़ता सरफेस टेंशन का, एकदम सेम रहता है डिस्पर्जन मीडियम के, सेम रहता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर मैं बात करूं किसकी, विस्कोसिटी की, एक टर्म आता है दूसरा विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी होती है लियोफिलिक सॉल की, विस्कोसिटी ऑफ सॉल इज हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। पता है ना सबको विस्कोसिटी क्या होता है, पता है ना? ठीक है, तो जो विस्कोसिटी होती है, इसको भी मैं रब कर देती हूं फिर आपको एक साथ समझाऊंगी। डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, तो देखो जो विस्कोसिटी होती है सोल की वो हायर होती है डिस्पर्जन मीडियम से, किसमें, लियोफिलिक सोल के टाइप की बात बता रही हूं मैं। अगर लियोफोबिक सोल है तो इसकी जो विस्कोसिटी होगी ये एकदम सेम रहेगी देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, बात आ गई समझ में, सरफेस टेंशन में क्या था, कम थी डिस्पर्जन मीडियम से, लेकिन विस्कोसिटी क्या होगी सोल की, वो ज्यादा होगी डिस्पर्जन मीडियम से, ठीक है ना। और लियोफोबिक सोल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर केस में ये सेम रहेगी। अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो लियोफिलिक सोल का जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च, ग्लूटेन, ठीक है, ढंग से लिखती हूं आपको समझ में आएगा। ठीक, बात करें लियोफोबिक सोल की तो एग्जाम्पल क्या है इसका, मेटल सोल, दूसरा हम बोल सकते हैं मेटल सल्फाइड सोल, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां पर जो लियोफिलिक सोल है और लियोफोबिक सोल है इनके सारे डिफरेंस कंप्लीट होते हैं और आपको ये भी पता चलता है कि लियोफिलिक सोल क्या है और लियोफोबिक सोल क्या है। चलिए आज इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और भी जो है कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन होते हैं और भी टाइप होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।